कर्नाटक में जनसभा के दौरान कांग्रेस पर योगी आदित्यनाथ बरस गए। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बजरंग दल को बैन करना सीधे सीधे हिंदू आस्था को आहत करना है। योगी ने कहा, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की भूमि उत्तर प्रदेश से आया हूँ। उत्तर प्रदेश और कर्नाटक एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने में आगे बढ़ रहा है। जिन लोगों को श्रेष्ठ भारत से दिक्कत है, वही देश विरोधी PFI जैसे संस्थानों को संरक्षित करते हैं। सुनिए कर्नाटक की जनसभा के दौरान बजरंग दल के बैन करने की ऐलान पर योगी आदित्यनाथ किस तरह से भड़क उठे। जिन्हें एक भारत श्रेष्ठ भारत अच्छा नहीं लगता, एक और कर्नाटक में PFI जैसे संगठनों को उन्मुक्त करके समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने का कार्य कर रहे हैं, श्री हनुमान के अनन्य सेवक के रूप में बजरंग दल को बैन करने की बात करते हैं। बजरंग दल को बैन करने का मतलब कांग्रेस के द्वारा सीधे सीधे हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास हो रहा है, और कोई भी हिंदू समाज का नागरिक इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसे स्वीकार नहीं कर सकता है। बता दे, कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र में लिखा कि PFI और बजरंग दल जैसे संस्थानों को अगर उनकी सरकार कर्नाटक में बनी तो बैन कर दिया जाएगा। PFI जैसे संस्थानों से बजरंग दल की तुलना करने के बाद कांग्रेस पर BJP और कर्नाटक की जनता भड़क उठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कर्नाटक में कांग्रेस को दो टूक जवाब देते हुए ये कह दिया कि कांग्रेस को पहले प्रभु श्री राम से दिक्कत था, अब बजरंग बली से दिक्कत होने लगी है। बहरहाल कांग्रेस ने जब से बजरंग दल के बैन करने की बात कही, कर्नाटक की सियासत में और गर्मी बढ़ गया। अब देखना सिर्फ ये है कि कांग्रेस को बजरंग दल के बैन करने की बात से कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कितना नुकसान झेलना पड़ता है। GD रिपोर्ट, TNN वर्ल्ड।